गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शबीना नास। आई एम योर न्यू फिजिक्स टीचर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, वी कैन से द नेचर अराउंड अस इज़ वेरी कलरफुल। इट कंटेन्स फिनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटीज़ लाइक विंड्स, सैंड्स, वाटर्स, प्लैनेट्स, रेनबो, हीटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन रबिंग, इवन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स जो हमारे आसपास का जितना भी वर्ल्ड है वो बहुत खूबसूरत है, और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिनोमेनाज आपको देखने को मिलते हैं। फिनोमेनाज जैसे कि हवा है, रेत है, पानी है, प्लैनेट्स का ऑर्बिटिंग करना है, रेनबो है, और अगर हम अपने हाथों को रब करते हैं तो रब करने पर आपको हॉटनेस फील होती है, गर्माहट फील होती है। या आपने देखा होगा, अगर हम दो पत्थर को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब चिंगारी निकलती है। तो ये जो सारे फिनोमेनाज हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपके किस पर बेस्ड हैं? फिज़िक्स पर बेस्ड हैं। तो बात करते हैं हम फर्स्ट, व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स is the branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena. Physics is the branch of science. Physics क्या है? Science की एक branch है which is devoted to the study of nature and natural phenomena. जो किस्म का study करती है या जो किसके study के बारे में बताती है हमें? Nature और natural phenomena के। जितने भी आपके नेचुरल फिनोमेनाज हैं उन सब का स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिज़िक्स में करते हैं। भाई रेनबो फॉर्मेशन है, रेनबो कैसे बनता है, फिज़िक्स है, ठीक है। दूसरा, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, उसका आंसर भी कहाँ है आपका? फिज़िक्स में है। एक फ्रूट जो है वो पकने के बाद खुद पेड़ से गिर जाता है, उसका आंसर कहाँ है? फिज़िक्स में है। तो आपका फिज़िक्स है क्या? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप जनरल कह सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेनास का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर। जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है बच्चों? ग्रीक से आया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर। किसके बारे में जानना? नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति। नेचर जो है आपका प्रकृति है, उसके बारे में जानना जो है वो फिज़िक्स का मीनिंग है। एक्चुअल में ग्रीक के एक वर्ड से जिसे लिया गया है, जिसे हम कहते हैं फिज़िक्स। नेक्स्ट, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी साइंटिफिक लॉस। अब जैसे अभी आपको बताया कि जो आपका अगर एक फ्रूट है, फ्रूट पकने के बाद खुद पेड़ से गिर जाता है, तो ये आपने सबने देखा है, पत्ता है पेड़ से गिर जाता है। दूसरा, अगर आप एक ब्रांच है ट्री की, कोई ब्रांच है, अगर आप उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हिलाने पर जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो गिर जाती हैं। दीज आर ऑल फिनोमेनाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिज़िक्स विच इज़ कॉल्ड फ्रूट का गिर जाना, ग्रेविटेशनल लॉ। आपका स्काई का नीला होना, ब्लू कलर होना, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सारे बच्चों आपके किससे रिलेटेड हैं? फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। सो हम कह सकते हैं फिज़िक्स क्या है? एक नेचुरल फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप सारे नेचुरल फिनोमेनास के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी रीजंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री एक्सेट्रा आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लॉज। के मून का ऑर्बिटिंग करना किसके अबाउट? अर्थ के अबाउट। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, एक एप्पल का पेड़ से गिर जाना, ये सभी आप किसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं? साइंटिफिक लॉज पर एक्सप्लेन करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। डोमेन्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आप इसे जनरल ये भी कह सकते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी है फिजिक्स की। यह डोमेन्स में बच्चों यहाँ पर दो तरह की डोमेन्स हम पढ़ते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है और एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन होता है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ। मैक्रोस्कोपिक डोमेन को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन को हम समझ सकते हैं कि अगर ये एक वॉल है, एक वॉल है और ये वॉल किससे मिलकर बनी है, ब्रिक से मिलकर बनी है। ये वॉल हमारी ब्रिक से मिलकर बनी है इस तरह से, लाइक दैट। तो जो बच्चों ये ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक्स इस वॉल के पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल कैसे हैं, अगर आप एक ईंट को देखते हो तो फाइनाइट साइज़ होता है ना उसका, मतलब आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो कि क्या उसका साइज़ है। तो जो आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम उन पार्टिकल का स्टडी करते हैं जो कैसे होते हैं, फाइनाइट साइज़ के होते हैं, मतलब उनका साइज़ मेजरेबल होता है जिसे आप मेज़र कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो आपका फिज़िक्स आता है वो आता है आपका क्लासिकल फिज़िक्स, जिसमें आप किसका स्टडी करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं मतलब जिनको मेज़र किया जा सकता है फाइनाइट साइज़ में जो आपके होते हैं, उसको आप कहेंगे कि वो आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल है। एंड क्लासिकल फिज़िक्स कम्स अंडर दी मैक्रोस्कोपिक लेवल। एंड दूसरा आता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक को बच्चों आप कैसे समझ सकते हैं, माइक्रो दैट मीन्स बहुत छोटा। अब अगर ये एक ब्रिक है, यहाँ क्या था, वॉल किससे मिलकर बनी हुई थी, ब्रिक से मिलकर बनी हुई थी। ब्रिक क्या है, उस वॉल के पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं। माइक्रोस्कोपिक में आ जाओ, माइक्रोस्कोपिक में क्या है, ये एक ब्रिक है, ये एक आपकी क्या है, एक ब्रिक है। अब ये ब्रिक किससे मिलकर बनी है बच्चों, अगर आप एक रेत को उसको तोड़ेंगे, एक ईंट को तोड़ते हैं तो आपको क्या दिखाई देते हैं, छोटे 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 पार्टिकल जिनसे मिलकर बनी है। तो अगर बहुत आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चों, अगर आपके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं और उनका आप स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल। और जिसमें आपका कौन सी फिजिक्स आती है आपकी, उसमें आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी आती है, मॉडर्न फिजिक्स। तो दो हो गई, दो डोमेन्स हो गई, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक में आती है आपकी क्लासिकल फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक में आती है मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक में बड़े पार्टिकल्स होते हैं फाइनाइट साइज, जैसे कि आपको क्या है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह आती है, जिसमें कि आप क्या देखते हैं, प्लैनेट्स का स्टडी करते हैं कि कौन सा कितनी डिस्टेंस पर है टेलीस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोपिक में क्या आ गया, जैसे आपका कौन सा आ गया आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहाँ पर आपके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। नाउ क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड्स फर्स्ट आपका मैकेनिक्स, सेकंड ये ब्रांचेज हैं अलग अलग, आप इसकी बुक्स भी पढ़ोगे आगे क्लासेस में जाकर मैकेनिक्स। दूसरा आता है आपका थर्मोडाइनमिक्स, तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड फोर्थ आता है आपका ऑप्टिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड्स फोर ब्रांचेज या फोर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट आता है आपका मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड फोर्थ इज ऑप्टिक्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी सब्जेक्ट्स मैकेनिक्स। फर्स्ट मैकेनिक्स क्या होता है आपका, मैकेनिक्स में आप किसका स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, साउंड वेव्स, लिक्विड एक्सेट्रा। मैकेनिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के सिस्टम के बारे में, रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज दैट मीन जो सॉलिड बॉडीज हैं उसके बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, लिक्विड एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जो आप पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है, जैसे बच्चों मोशन है फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का, सेकंड आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तो वो आप किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टडी करते हैं, जनरल कह सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम या गैसियस स्टेट, वो जिससे भी आपका रिलेटेड है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। किसके साथ स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, किसका स्टडी करते हैं, गैसियस सिस्टम का या चेंज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, चार्जेस की बात कर रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप किसका स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास का स्टडी करते हैं एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल्स, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, चार्ज पार्टिकल से जुड़े हुए फिनोमेनास का स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनास का। इलेक्ट्रिक फिनोमेना जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेटिक फिनोमेना में जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये सब आप इस सब में आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बच्चे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जो आप के अगर आप अपने लेंस की ग्लासेस वगैरह लेके जानते हैं तो ऑप्टिकल्स या ऊपर शॉप पे लिखा होता है ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स का नेम आपने सुना होगा। तो स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना कनेक्टेड विद लाइट। ऑप्टिक्स क्या है, अगेन इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप किसका स्टडी करते हैं, लाइट से जुड़े जो फिनोमेनाज हैं उनका स्टडी करते हैं। तो आपकी चार ब्रांचेस हो गई या आप कह सकते हैं चार सब्जेक्ट हो गए, किसके अंडर आते हैं, जो आपके मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर आते हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, आपका क्वांटम थ्योरी आती है या क्वांटम फिजिक्स आती है, विच वर्क्स ऑन द न्यू आइडियाज़। जैसे न्यू आइडियाज़ का आप समझ बच्चों ऐसे देख सकते हैं, जो अगर पहले टाइम में अगर हम देखें, मेरे पास कोई डाटा है और उस डाटा के लिए हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे भाई, एक पेपर लेते थे, उस डाटा को कलेक्ट करते थे और तब जाकर उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बट नाउ इन मॉडर्न डेज हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को लैपटॉप पर कंप्यूटर पर फीड करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिकल एंड क्वांटम कंसेप्ट, क्लासिकल पिछला वाला जो पुराने प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, और मॉडर्न फिजिक्स में आप मॉडर्न न्यू टेक्निक्स, जैसे कि सबसे पहले क्या आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम चलते थे भाई, CPU और सब कुछ होता है, प्रोसेसर पूरा पूरा सिस्टम होता था और बहुत सारे उसके लिए लार्ज स्पेस चाहिए होता था। बट नाउ एक वही काम एक छोटा सा क्या कर देगा, एक छोटा सा लैपटॉप भी कर सकता है। तो ये क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और मॉडर्न टेक्निक्स फिजिक्स में न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं और पुरानी से नए टेक्निक की तरफ हम जाते रहते हैं। तो जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सोलर सेल्स सबको पता ही होगा, सोलर पैनल। आजकल इलेक्ट्रिसिटी हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोस्टली प्रेफर इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर सेल से, डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट्स की खोज हुई, तो ये सब किसके अंडर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट और उनके डिस्कवरी के बारे में हमने लिखा है। जैसे फर्स्ट है आपके गैलीली है, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया की डिस्कवरी की है। सर इसाक न्यूटन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया है, डिस्कवर किया है। जेसी बोस है, नाम आपने सबने सुना होगा, रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की है उन्होंने। जे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन की है। मैरी क्यूरी है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की है। केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी बच्चों क्यूरी होती है, इन्हीं के नेम पर है। जेम्स सैडविक है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की है। डब्ल्यू के रॉन्जन है, इन्होंने एक्स रेस की डिस्कवरी की है। तो ये आपके कुछ फिजिसिस्ट के नेम हैं इंपॉर्टेंट जो हैं और डिस्कवरी उनकी है, इनको आपको ध्यान रखना है। देयर आर टू क्वेश्चन गिवन्स बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। टू क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको गिवन है, इनका आंसर्स आप लोगों को लिखना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट इस वीडियो में बच्चों फिर से हम डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो आपका 8th चैप्टर है मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट और उनके डिस्कवरी के बारे में हमने लिखा है। जैसे फर्स्ट है आपके गैलीली है, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया की डिस्कवरी की है। सर इसाक न्यूटन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया है, डिस्कवर किया है।
जेसी बोस है, नाम आपने सबने सुना होगा। रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की है उन्होंने। जे जे थॉम्सन है, इलेक्ट्रॉन की है। मैरी क्यूरी है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की है। केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी बच्चों क्यूरी होती है, इन्हीं के नेम पर है। जेम्स चैडविक है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की है। डब्ल्यू के रोंजन है, इन्होंने एक्स रेस की डिस्कवरी की है। तो ये आपके कुछ फिजिसिस्ट के नेम हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं, और डिस्कवरी उनकी है, इनको आपको ध्यान रखना है। देयर आर टू क्वेश्चन गिवन्स बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। टू क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको गिवन है, इनका आंसर्स आप लोगों को लिखना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट इस वीडियो में बच्चों फिर से हम डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो आपका 8th चैप्टर है, मोशन।